1, 7 and 5। जी ऐड कीजिए। व्हाट द आंसर इज 13। ओ अगेन 13 हमारे पास आ गया। हम साइड पे राइट कर लेते हैं। दिस इज अवर यूनिट एंड वन इज अवर टेंस। जी यहां पे हम क्या राइट करेंगे, यूनिट को। और वन हमारे पास कैरी चला जाएगा हंड्रेड्स पर। अब हमारे पास वन वन एंड सिक्स, वन अगेन वन देन सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब यहाँ तक टोटल ऐड कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। सो द आंसर इज एट। जी आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। जी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी यहाँ पे हमारे पास यूनिट के नीचे डिजिट है एट एंड सिक्स। एट और सिक्स को ऐड कीजिए। गुड आंसर इज 14। फोर इज यूनिट एंड वन इज टेंस। यहां पर हम यूनिट यानी के फोर राइट करेंगे। और वन हमारे पास कैरी चला जाएगा टेंस पर। अब हमारे पास है वन टू एंड नाइन। ऐड कीजिए, वन टू एंड नाइन। दिस इज वन, नेक्स्ट इज टू, वन एंड टू नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। टोटल को काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। सो द आंसर इज 12। टू इज यूनिट एंड वन इज टेंस। हम यहां पर टू राइट करेंगे और वन हमारा कैरी चला जाएगा हंड्रेड्स पर। जी अब हमारे हंड्रेड के नीचे क्या क्या आ रहे हैं, कौन से डिजिट्स हैं, वन टू और वन। आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड कीजिए, वन टू एंड वन, एंड द आंसर इज फोर। वेरी गुड। जी आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये यहाँ पर साइड पर नहीं लिखना चाहते, आप एक रफ पेज यूज़ करके भी इनको आगे लिख सकते हैं और वहाँ से यूनिट लिखें, टेंस लिखें, अपना जो भी आंसर आया वो लिखिए और फिर कैरी उस क्वेश्चन पे दे दें। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तब भी ठीक है, एज़ यू विश। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।